हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोवर्धन की पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन कैसे बनाना है ये मैं आज आपको आसान तरीके से बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। गोवर्धन पे घर आंगन में गाय के गोबर से घर घर पर गोवर्धन बनाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जहाँ भी गोवर्धन बनाएं वहाँ थोड़ा सा रोली, हल्दी और चावल रखना है, क्योंकि बहुत शुभ माने जाते हैं। फिर इस तरीके से देखिए, गोबर ले लीजिए, चेहरा बनाएं, फिर इस तरीके से हम इनका पेट बना लेंगे, जैसे मैं बना रही हूँ। इस तरीके से आपको पेट बनाना है, ऐसे हम पेट बना लेंगे गोवर्धन महाराज का। आप कलर से चाहें तो कलर से बना सकती हैं, सादा भी बना सकती हैं, या फिर जिस तरीके से डेकोरेट करके बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं। इसके बाद हम पैर बनाएंगे, आपको इस तरीके से एक लाइन पैरों के लिए जानी है और इधर मोड़ देनी है। इसके बाद हम एक पैर इधर बनाएंगे, जैसे हमारे कान्हा जी खड़े होते हैं ना, जो मुरली बजाती हैं, तो उसी तरीके से हमें दोनों पैर बनाने हैं। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप बनाएंगे तो बन जाएंगे। यहाँ पर दोनों पैर हमने इधर बना लिए। अब इसके बाद बीच में जो खाली है वहाँ हम गोबर लगा देंगे। इस तरीके से देखिए, थोड़ी सी हमें जगह छोड़नी है, क्योंकि पैर क्रॉस करके बनाएंगे तो हमें थोड़ी सी जगह बीच में खाली रखनी है, जिससे हमको पता चले कि हमने धोती कुर्ता में पहनाए बनाए हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप लगाएं यहाँ से। इसके बाद हम, और बहुत से घरों में गोवर्धन महाराज के जैसे बीच में छेद करके बनाते हैं, कहते हैं कि नाभि में दूध भरा जाता है, तो उसके लिए बीच में छोड़ते भी हैं। लेकिन कुछ घरों में कोई बर्तन या फिर कटोरा भी रख दिया जाता है कि आप उसमें दूध भर दें, तो आप कटोरा भी रख सकते हैं, कोई भी वैसा लोटा कटोरा या फिर कुछ भी रख सकते हैं जिनमें दूध करें। अगर आप गोवर्धन महाराज के ऐसे नहीं बनाना चाहते, फिर हम इस तरीके से हाथ बना लेंगे। हाथ पे हम पर्वत बनाएंगे। पर्वत देखिए इस तरीके से बना सकते हैं, और भी आसान तरीके से भी बन सकता है। वैसे इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसान तरीका है। गोवर्धन पूजा में सबसे पहले तो हम घर घर में अन्नकूट बनता है, अन्नकूट का प्रसाद लगता है। इस तरीके से हम यहाँ पर्वत बना लेंगे। कान्हा जी ने, जब हमारे कान्हा जी ने पर्वत उठाया था तो एक हाथ पे उठाया था। अब देखिए, मैंने कुर्ता धोती पहनाई है तो मैं यहाँ पटका भी बनाऊंगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा नीचे निकाल कर आप पटका बना लें। इस तरीके से एक तरफ से पटका तैयार हो गया है हमारा। अब हम बनाएंगे दूसरा हाथ। इस तरीके से एक हाथ हमें कमर पर बनाना है, फिर इसके बाद हमें पटका बनाना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं मुकुट बना रही हूँ, चेहरे के ऊपर थोड़ा सा मुकुट। इस तरीके से फिर आप कलर भरिए, देखिए इस तरीके से। ये मैंने रंगोली के कलर लिए हैं, आप भी रंगोली के कलर ले सकती हैं, या आप आटे से खील से भी डिजाइन बना सकती हैं। तो यहाँ मैंने कलर लिए हैं रेड और येलो से, मैं इनकी धोती बना रही हूँ पहले। इस तरीके से देखिए, दोनों तरफ हम रेड लाइन बना लेंगे। उसके बाद बीच में हम पूरा जितना भी खाली है उसको ग्रीन कर देंगे। आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे कलर की भी धोती बना सकते हैं। इस तरीके से सारी खाली जगह हम भर देंगे, जिससे ऐसा लगेगा धोती पहने हुए हैं। आप चाहें तो बॉर्डर पे खील या कुछ और भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये हम इनके नेल्स बना देंगे रेड कलर के पैरों पे। इसके बाद हम बनाएंगे कमरबंद। कमरबंद आप वाइट कलर से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब हम बनाएंगे इनके हार। गले में हमारे गिरिराज जी को हार पहनाएंगे। इस तरीके से आप आसान तरीके से हार बना सकते हैं। इस पर रेड रेड बिंदी रख कर केवल इस तरीके से ये हमारे दोनों हार तैयार हो जाएंगे। देखिए, ये इस तरीके से देखिए हाथ तैयार है। आप दोनों हाथों पे भी हम नाखून की जगह रेड रेड कर देंगे। अब ये मेरे गिरिराज जी को कड़े पहना रही हूँ, आप भी कड़े पहना सकती हैं। यहाँ पटका पे भी हम डिजाइन बना देंगे, क्योंकि हमने धोती पर डिजाइन बनाई है तो पटके पे भी हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ येलो कलर की डिजाइन बनाई है, उसमें थोड़ा सा रेड आप नीचे कर दें इस तरीके से। यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से सजा दिए। अब इस तरीके से पूरा कवर कर दो। कवर करना चाहते हैं कर दें, नहीं तो वाइट कलर की अब मैं पायल पहनाऊंगी और यहाँ वाइट कड़ी भी। अब मुकुट बनाएंगे हम इस तरीके से, रेड
फिर उसके बाद येलो, फिर रेड, ऐसे इस तरीके से हम कलर मिक्स करके अच्छे तरीके से मुकुट बना सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा मुकुट तैयार हो गया है, तो देखिए इस तरीके से मैं येलो करके यहाँ पर मेरे उनका मुकुट तैयार हो गया है रेड कलर में थोड़ा। और अब बनाऊंगी मोर पंख। तो देखिए पहले आप ब्लू कलर लगाएं, उसके बाद डार्क ब्लू, उसके बाद थोड़ा सा येलो कलर। अब ये देखिए हमारा मोर पंख तैयार हो चुका है। अब पहनाएंगे हम कानों में, इस तरीके से नीचे थोड़ा सा रेड कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे हम इनकी छोटी सी नाक, क्योंकि हमें ऊपर तिलक भी बनाना है। अब हम पर्वत को नीला कर देंगे, और पर्वत पे थोड़े से फूल बनाने हैं हमें, तो थोड़े से फूल भी बना देंगे जिस तरीके से मैंने नीला कर लिया है। उसके बाद थोड़ी सी फूल पत्ती, जैसे आप डेकोरेट करना चाहें इस तरीके से। अब थोड़े से फूल रेड और येलो बनाऊंगी, तो आप किसी भी तरीके के फूल बना सकती हैं। अब बनाएंगे हम इनके होठ, तो यहाँ हमने होठ तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम बनाएंगे इनका तिलक छोटा सा। अब देखिए इस तरीके से आईब्रो बनाइए, यहाँ बनाएंगे इस तरीके से आँखें, इस तरीके से आसान तरीका है बहुत। उसके बाद हम काला कलर थोड़ा सा रख देंगे, जिससे हमारी आंखें तैयार हो जाएंगी। अब देखिए ये कहती हैं गिरिराज जी जब बनाती हैं तो उन्हें इस तरीके से हमें उनके पास एक गोबर की लाइन खींचनी होती है इस तरीके से, क्योंकि ऐसे खाली में नहीं रखते। इसका महत्व तो होता है कि हमें किसी घर में प्रवेश या इस तरीके से बनाने होती हैं, तो हमने इनको इस तरीके से कर लिया। और कुछ देखिए गाँव में खिलौने बनते हैं, जैसे हम दूध की भगोनी बना रहे हैं, और महिलाएं भी बना देती हैं चूल्हे पर काम करती हुई। यहाँ पे देखो हमने अब ये बनाई है, यहाँ पर गाय इसमें से खा रही है, और यहाँ हम जो भैंस खाना खाती हैं उसमें हमने देखिए खील डालने का महत्व होता है, तो यहाँ हम इसे बना के इसमें थोड़ी सी खील डाल देंगे। इसके बाद देखिए बाहर एक तरफ ग्वारिया बनाया जाता है, एक तरफ कुत्ता बनाया जाता है, तो यहाँ हम कुत्ता बनाएंगे इस तरीके से, और ऊपर चंदा और सूरज बना दी जाती हैं। गोवर्धन पूजा में आप चंदा सूरज ज़रूर बनाएं। इसके बाद आप उनको उसको डेकोरेट तो किसी भी तरीके से कर सकती हैं। यहाँ पर हम सीख के लिए लगाएंगे, क्योंकि पीली सीख का महत्व होता है गोवर्धन पूजा में। यहाँ पर इस तरीके से हमारे गोवर्धन महाराज तैयार हो चुके हैं। आपको हमारे गोवर्धन महाराज कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।